नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। मौजूद हैं हम यूपी के लखनऊ में। लखनऊ में आज हुंकार रैली थी, कायस्थ हुंकार रैली, और हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कान सहाय जी। सर, पहला सवाल ये कि रैली क्यों करनी पड़ी? रैली इसलिए कर रहे हैं कि दिन ब दिन वक्त के साथ जब जिस कम्युनिटी का इतना गौरवान्वित इतिहास हो, देश की आज़ादी में शहादत का इतिहास, देश आज़ाद भारत को निर्माण करने का इतिहास, और आज उस कम्युनिटी को हाशिए पे ला के रखा है। न सामाजिक हिस्सेदारी मिल रहा है, न प्रशासनिक हिस्सेदारी मिल रहा है, न राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है। तो इसलिए समाज के लोग शिक्षित होने का कमज़ोरी हमारा समझते हैं। तो अगर हुंकार ही से बात समझ में आता है तो इसलिए हुंकार में। यहाँ राजनीति की बात हुई, राजनीति हिस्सेदारी की बात हुई, तो किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या परिदृश्य है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, क्या है कायस्थों की स्थिति? कायस्थों का यहाँ करीबन 66 सीट है उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश में 65 विधायक रह चुके हैं, 52 में रह चुके हैं, आज घटते घटते नेग्लिजिबल आ गए। तो ये अगर इतना हमें जीतने का दावा करते हैं तो हराने का भी दावा करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की बात जो है, एक डेलीगेशन जाएगा जो सभी राजनीतिक दलों से मिलेगा, सभी संगठनों का मिला के डेलीगेशन रहेगा, मिलेगा, बात करेगा। क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का परिदृश्य रहे, कायस्थ समाज को लेकर क्या पार्टियां सोचें इसके बारे में विचार करें? अपनी हिस्सेदारी, जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी। आपने बताया कि 52 में हम इतने थे, आज शून्य के श्रेणी में आ गए हैं, तो क्या कारण रहा, क्या समझते हैं, क्या इसके पीछे वजह रही? इसलिए कि जब तक कायस्थ समाज नेता रहा, वो मुद्दों का नेता रहा, मुद्दा विहीन राजनीति जब हावी हो गया है और पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन टेक ओवर कर लिया है, तो लोग गिनती समझते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल समाज था वो अपने को गिनती में कभी नहीं मानता था, वो एक साम्राज्य स्तर पे देश की और निर्माण में अपनी भूमिका लगा। लेकिन आज जब वही भाषा सुनते हैं तो हुंकार रैली में हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। उत्तर प्रदेश और पूर्व बिहार में खासकर जाति की राजनीति चलती है, तो कहाँ आप देखते हैं कि ये जो हुंकार रैली आपकी है कहाँ तक सफल होगी? निश्चित सफल होगी। अब ये हुंकार रैली जिलों में होगी और जिला में ही विधानसभा होता है और वहीं उसका फैसला होगा। तो ये थे सुबोध जी, जो बात करते थे कि यहाँ पर जो रैली हुई है वो जिलों तक जाएगी, विधानसभा तक जाएगी, और इसका एक बड़ा परिदृश्य देखने को मिलेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे सबसे तेज न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।